हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम करेंगे गांधी जयंती फोटो एडिटिंग कुछ इस प्रकार के, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आपको सीखना है तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है। वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोग को हर रोज इस तरह का एडिटिंग का वीडियो देख सके। तो चलिए बिना देर के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट में आना है, सिंपली आपको ये वाला बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। टूल्स पे क्लिक कर देना है, रिसाइजमेंट्स पे क्लिक कर देना है, मैक्सिमम रिसाइजमेंट डाल के सिंपली आपको डन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको चले जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन में, आपको गांधी जी के पीएनजी को ले लेना, सिंपली ऐड कर लेना है और कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर इसको लगा देना है। लगाने के बाद सिंपली आपको अगेन ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड आपको ये शैडो वाली पीएनजी मिल जाएगी, सिंपली इसको ऐड कर लेना है और कुछ इस प्रकार आपको नीचे की तरफ यहाँ पर लगा देना है। इसको आप देख सकते हो ध्यान से, टू कॉपी आइकॉन पे क्लिक करके इसको मूव डाउन कर देना है। इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर लेनी है और पीछे की तरफ भी आपको इसको लगा देना है और सिंपली इसको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे चले जाना है। मैंने अपने फोटो का कटआउट निकाल रखा है सिंपली, तो अपने फोटो का कटआउट मैं ले लूँगा और कुछ इस प्रकार इसको मैं यहाँ पर इसको लगा दूंगा। तो सिंपली गाइस, लगने के बाद अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में जाना है, आपको ये शैडो की पीएनजी मिल जाएगी, सिंपली इसको आपको दोबारा से ऐड कर लेना है और सिंपली इसको कुछ इस प्रकार आपको शूज की तरफ लगा देना है। नीचे सिंपली टू कॉपी आइकन पर क्लिक करके इसको भी मूव डाउन कर देना है, डुप्लीकेट लेयर लेनी है, अपने दूसरे शूज की तरफ भी आपको लगा के मूव डाउन पर क्लिक कर देना है। सिंपली इतना होने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अगेन ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है, आपको ये तिरंगा की पीएनजी मिल जाएगी, सिंपली आपको इसको ऐड कर लेना है और कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर इसको लगा देना है। लगाने के बाद सिंपली आपको इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, हार्डनेस को बिल्कुल आपको जीरो कर देना है, साइज को आपको बड़ा कर लेना है और कुछ इस प्रकार आपको इरेज कर देना है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो कुछ इस प्रकार आपको इरेज करने के बाद आपको सिंपली राइट पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद इसकी ओपेसिटी को 50% के करीब आपको कर देना है। इतना होने के बाद सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है, अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है, आपको ये चरखे वाली पीएनजी मिल जाएगी, सिंपली इसको आपको ऐड कर लेना है और कुछ इस प्रकार इसके साइज को बड़ा करना है और यहाँ पर आपको लगा देना है। लगाने के बाद सिंपली अगेन ऐड फोटो वाले ऑप्शन में जाना है, आपको ये शैडो की पीएनजी मिल जाएगी, इसको ले लेना है, साइज को बड़ा करना है शैडो वाली पीएनजी का, कुछ इस प्रकार यहाँ इसको लगाना है, टू कॉपी आइकन पे क्लिक करके मूव डाउन कर देना है, अगेन इसकी डुप्लीकेट लेयर लेनी है और इसके दूसरे तरफ भी आपको लगा के मूव डाउन पे क्लिक कर देना है। सिंपली इतना होने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है, आपको ये वाली टेक्स्ट की पीएनजी मिल जाएगी, सिंपली इसको आपको ऐड कर लेना है और कुछ इस प्रकार इसको ऊपर की तरफ आपको लगा देना है, साइज को आपको सिंपली बड़ा कर लेना है एंड इसके बाद आपको जो सेकंड वाली पीएनजी उसको आपको ले लेना है और सिंपली आपको यहाँ पर इसको लगा देना है। लगाने के बाद सिंपली आपको अगेन ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड आपको ये ब्लर वाली पीएनजी मिल जाएगी, सिंपली इसको आपको ऐड कर लेना है, साइज को बड़ा करना है और कुछ इस प्रकार इसको यहाँ पर आपको कोने में लगा देना है। लगाने के बाद सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है, बिफोर एंड आफ्टर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके बाद आपको चले जाना है ड्रॉ वाले ऑप्शन में, थ्री डॉट पे क्लिक करके अपनी फोटो को करना है सेव, मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फोटो को भेज देना है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। सिंपली इसके बाद आपको लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, आपको ये वाला प्रीसेट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ले लेना है सिंपली। इस पे प्रीसेट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी सेटिंग का ऑप्शन है उस पे क्लिक करके राइट पे क्लिक करना है, अपनी फोटो पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेज सेटिंग आपको कर देना है। तो बिफोर एंड आफ्टर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। फोटो सेव करने के लिए सिंपली आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सेव टू डिवाइस आपको कर देना है।